उन्नाव रोड पर स्थित शराब कारोबारी के कार्यालय में बंदूक की नोक पर करीब 9 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिए जाने की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। वारदात को सोमवार सुबह 8:17 पर अंजाम दिया गया। पूरी वारदात कार्यालय में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने बीच सड़क में चोर चोर का शोर मचा रहे शराब कारोबारी के चालक पर गोलियां भी चलाई। सुबह सुबह ऊना शहर में हुई ये वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। शराब कारोबारी राजेंद्र सिंह राणा ने बताया कि सोमवार सुबह जब उनके अकाउंटेंट कार्यालय में बैठकर पैसे गिन रहे थे, उसी वक्त बोलेनो कार में सवार 4 युवक पिस्तौल से लैस होकर उनके कार्यालय में घुसे, जिसमें से हथियारों से लैस 2 लोगों ने कर्मचारियों की कनपट्टी पर बंदूक रखकर उनसे पूरा कैश लूट लिया। घटना के दौरान वो भी कार्यालय में पहुंच गए। उस दौरान हथियारों से लैस 2 युवकों ने उन्हें गेट पर ही रोक लिया और उनके साथ भी धक्का मुक्की की। मामला ऐसे है जी, मैं सुबह जहाँ पे 8:16 में पहुँचा अपने ऑफिस में। जब मैं अपने ऑफिस का दरवाज़ा खोला तो आगे 2 आदमी खड़े थे, जिनके मुंह ढके हुए थे मास्क और रुमाल से। और मैंने उनको पूछा भी तुम कौन हो, भी कहाँ से आए हो? तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, बताते हैं आपको। इतनी बात करके वो खड़े हो गए। तो मैंने कहा बताओ भी आप है कौन है। मैंने अपने भादर को बुलाया जो खाना बनाता था, मैंने कहा ये कौन है बंदे? कहना मेरे को तो पता नहीं जी, आपने भेजे होंगे। मैं कहा नहीं, मैंने तो भेजे नहीं। तो फिर वो मेरे साथ हथोपाई करने लगे, कहते आप इधर को आओ या अंदर को आओ। तो फिर हथोपाई हुई, फिर वो एक्चुअल में 4 बंदे थे, 2 आदमी नीचे मेरी वेट कर रहे थे, 2 आदमी ऊपर जहाँ हमारा कैश आता वहाँ पे पहले पहुँचे हुए थे। तो फिर मेरी हथोपाई उनसे हुई काफ़ी। तो हथोपाई करते करते वो फिर वो बाहर आ गए, जो ऊपर लड़के गए थे दोनों ने कैश इकट्ठा कर लिया था, ऊपर से बैग में डाल लिया था और वो लेके फिर भाग रहे थे। और जाते जाते गोलियां चला के गए हमारे डर पे। कैश हमारा अप्रोक्सीमेट कम से कम भी 9 लाख रुपये होगा, इतना कैश था। बाकी दूसरा हमने अलमारी वाला खोला नहीं थे, अलमारी में काफ़ी कैश था, 30-35 लाख रुपया, वो नहीं हमने खोला। हाँ उसी वक्त दे दी। घटना की जानकारी मिलते ही जिला SP अरजीत सिंह ठाकुर भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने दल बल के साथ घटना की जांच शुरू कर दी। SP ने बताया कि कार्यालय में लगे सभी CCTV की फुटेज खंगाली जा रही है। कार्यालय में मौजूद कर्मचारियों से भी घटना को लेकर जानकारी हासिल की जा रही है। देखिए, सुबह हमको अर्ली मॉर्निंग 8:30 के आसपास जो है इन्फॉर्मेशन मिली कि ये इस तरह का इंसिडेंट हुआ है, जहाँ पे कुछ आर्म्ड रॉबरी का एक इंसिडेंट यहाँ पे एक वाइन कॉन्ट्रैक्टर हैं उनके शॉप पे हुआ है। उसके बाद जो है हमने पुलिस में जब ये इन्फॉर्मेशन पहुँची तो उसके बाद हमने जो है सभी अपने CCTV फुटेज के माध्यम से और जितनी भी डिटेल्स हमको अवेलेबल हैं उसके माध्यम से पूरे इलाके में अलर्ट जारी किया है और अभी हम तफ्तीश यानी जो हम इन्वेस्टिगेशन है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। सर, ऐसा आरोप है जो कॉन्ट्रैक्टर है उनका कहना है कि जब इंटीमेशन दी उसके भी आधे घंटे बाद तक पुलिस नहीं पहुंची। नहीं, उसके जैसे ही इन्फॉर्मेशन आई है उसके बाद कंट्रोल रूम के माध्यम से जो है अलर्ट पूरे डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम के माध्यम से जो दिया गया है, स्पेशली क्योंकि हमको उनको रूट का थोड़ा सा आइडिया था, इसलिए एक स्पेसिफिक लोकेशन के लिए जो है हमने पहले टीम भेज दी है। बाकी जगहों पे भी हमने टीम अलग अलग सेपरेट जगहों पे भेजी है और अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल।